हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम दो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस देखने जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इस वीडियो से पहले मैंने दो और वीडियो बनाए हैं, जिनमें पहले वीडियो में रैंडम एक्सपेरिमेंट, आउटकम, सैंपल स्पेस और इवेंट को डिफाइन किया है, और दूसरे वीडियो में रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स को एक्सप्लेन किया है। जैसा कि हम जानते हैं कि रैंडम वेरिएबल दो तरह के होते हैं, एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और दूसरे कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पर हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को डिफाइन करते हैं, जिसे हम PMF से भी डिनोट कर सकते हैं, और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन डिफाइन किया जाता है, जिसे PDF भी लिखा जाता है। पहले हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को देख लेते हैं। लेट x बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल टेकिंग वैल्यूज x1, x2, x3 एंड सो ऑन। नाउ एसोसिएट अ नंबर pi इज इक्वल टू p, x इज इक्वल टू xi with each possible outcome xi, where pxi is called the probability of xi. The number pxi for I is equal to 1, 2, 3 and so on must satisfy the following two conditions. First condition is pxi is greater than equal 0 for every I is equal to 1, 2, 3 and so on, and summation I is equal to 1 to infinity pxi is equal to 1. Then PXI is called probability mass function of random variable X. यहाँ X कोई discrete random variable है। Discrete random variable इस तरह से value लेता है, 1, 2, 3 and so on, अलग अलग इसकी values होंगी। तो इस तरह की values यहाँ पर X1, X2, X3 दी हुई हैं। अब अगर PXI, जो कि probability है XI के होने की, तो इस तरह से अगर show कर रहा है, तो उस कंडीशन में हर एक प्रोबेबिलिटी को ग्रेटर देन इक्वल जीरो होना चाहिए, और प्रोबेबिलिटी वन से ज्यादा हो नहीं सकती। इस कारण से ये बिटवीन जीरो एंड वन आएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी स्पेसिफिक आउटकम फॉर अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल मस्ट बी बिटवीन जीरो एंड वन। और दूसरी कंडीशन है समेशन आई इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी पी एक्स आई इज इक्वल टू वन। ये सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज को शो कर रहा है। तो भले ही जितने भी पॉइंट्स हों डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के, तो उनमें से हर एक की प्रोबेबिलिटी का अगर हम सम करते हैं, तो जो टोटल सम आएगा वो इक्वल टू वन आना चाहिए। तो इस तरह से ये दो कंडीशन अगर पीएक्सआई फॉलो करता है, देन इट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स। इसे हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। अगर हमारे पास एक कॉइन है और उसे हम टॉस कर रहे हैं, तो उसका सैंपल स्पेस s इज इक्वल टू h, t होगा, मतलब हेड और टेल आ सकते हैं। और उससे एसोसिएटेड जो रैंडम वेरिएबल होगा, उसे हम x इज इक्वल टू 0, 1 लिख सकते हैं, क्योंकि रैंडम वेरिएबल हर एक आउटकम को एक रियल नंबर से एसोसिएट करता है। तो नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ टेल्स, इसे हम रियल नंबर से एसोसिएट कर सकते हैं। अब हेड या टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है, दोनों ही 1/2 होगी, क्योंकि हमारे पास टोटल 2 आउटकम्स हैं और उसमें से एक फेवरेबल आउटकम है। तो 1/2 जो है, ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को डिनोट करेगा, और इन दोनों का सम इज इक्वल टू 1 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 1 की कंडीशन, तो PXI ग्रेटर देन इक्वल 0 की कंडीशन, और सम ऑफ PXI इज इक्वल टू 1 की कंडीशन, ये दोनों कंडीशंस यहाँ पर फुलफिल हो रही हैं। इसलिए ये एक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को डिनोट कर रहा है। इसी तरह से अगर हम दो कॉइंस ले लेते हैं, तो उसका सैंपल स्पेस HH, ST, TH और TT होगा, और इसके लिए हम रैंडम वेरिएबल लिख सकते हैं X इज इक्वल टू 0, 1 एंड 2, क्योंकि ये सभी
जीरो वन एंड टू से रिप्रेजेंट हो जाएंगे. अगर नंबर ऑफ हेड्स को हमने सक्सेस कंसीडर किया है तो ये जीरो हो जाएगा, ये वन और ये टू, तो ये टू वन वन जीरो, और इसका जो रैंडम वेरिएबल बनेगा वो जीरो वन टू बन जाएगा. अब यहाँ पर हर एक की प्रोबेबिलिटी हम कंसीडर कर सकते हैं. तो यहाँ पर जो एच है दो बार आया है, इस वजह से टोटल फोर ऑप्शंस हैं, तो टू बाय फोर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी एच एच के लिए. और इसी तरह से सेकेंड वाले के लिए एच और टी है, तो यहाँ पर एक बार एच आया है, टोटल फोर ऑप्शंस हैं, इसलिए वन बाय फोर. अगेन वन टाइम एच आया है, इसलिए वन बाय फोर. और यहाँ पर एक भी एच नहीं आया है, इसलिए जीरो बाय फोर. तो इस तरह से हमारे पास प्रोबेबिलिटीज आ गई हैं, जीरो, वन बाय फोर, वन बाय फोर एंड टू बाय फोर, या फिर वन बाय टू. तो इन्हें अगर हम सम करते हैं, ये सभी ग्रेटर देन इक्वल जीरो हैं, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की. और दूसरा, अगर हम इनको सम करते हैं तो न्यूमरेटर वन प्लस टू अपॉन फोर, फोर बाय फोर इज वन, तो पी एक्स आई का जो सम आ रहा है वो वन के बराबर आ गया है. तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये एक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को डिफाइन कर रहा है. इसी तरह से और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं. अब नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. लेट फंक्शन ऑफ एक्स बी अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन इन द इंटरवल ए बी, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द वेरिएट वैल्यू ऑफ एक्स टू लाई इन द इंटरवल ए बी इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स. द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इफ एंड ओनली इफ द टोटल प्रोबेबिलिटी इज यूनिटी. यहाँ पर दो कंडीशंस आती हैं, जो है फंक्शन ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल जीरो, और दूसरी कंडीशन है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रल होगा फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स का, वो इक्वल टू वन होगा. मतलब एरिया अंडर दिस कर्व इज इक्वल टू वन, इसका मतलब है टोटल प्रोबेबिलिटी वन होगी. तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहलाएगा अगर ये दोनों कंडीशंस फॉलो करे, यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल जीरो और इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वन, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी अंडर द कर्व. यहाँ पर हम एक कर्व ड्रॉ कर लेते हैं और उसमें इसको समझने की कोशिश करते हैं, किस तरह का कोई फंक्शन है. और ये यहाँ पर ए के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है फंक्शन की, और यहाँ पर बी के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है, यानी ये फंक्शन ऑफ ए है और ये फंक्शन ऑफ बी है. सो अंडर दिस कर्व प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय वन. अब बिटवीन दीज लिमिट्स प्रोबेबिलिटी वन है, इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से ए तक की प्रोबेबिलिटी जीरो है और बी से इन्फिनिटी तक की प्रोबेबिलिटी भी जीरो है, क्योंकि इस रेंज में जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू वन मिल रही है. अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं. चेक वेदर द फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू सिक्स एक्स इंटू वन माइनस एक्स बिटवीन जीरो एंड वन, एक्स की वैल्यू लाई कर रही है जीरो और वन के बीच में, इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को चेक करने के लिए हमें इस फंक्शन की इस लिमिट के अंडर वैल्यू चेक करनी होगी. सो इंटीग्रल जीरो टू वन फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू वन फंक्शन ऑफ एक्स इज सिक्स एक्स इंटू वन माइनस एक्स डी एक्स, ब्रैकेट ओपन किया, सिक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर लिख लिया, सिक्स कॉन्स्टेंट है इसको बाहर रहने दिया, इसको इंटीग्रेट कर लिया तो एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री आ जाएगा. लिमिट है जीरो टू वन. जब हम इसे पुट करते हैं, सिंप्लीफाई करने से हमें वन मिल जाता है. तो अगर इंटीग्रल जीरो टू वन फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स वन आ रहा है, इसका मतलब ये एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को डिनोट कर रहा है. इस वीडियो में इतना ही. Thanks for watching.